बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर आने वाली दुख तकलीफ तो निजात दे। सदवान आज दा व्लॉग शुरू कर रहे हैं, शुरू करने पर छोटी जल्द कर रहे हैं। जेडे मेरे भैन भी साढ़े नवे ने जिन्हें सुना मेरा फैमिली व्लॉग चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो, बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में बहुत स्पैशल आ, बहुत सारी वीडियो दिलचस्प होने वाली। मेरे भैन भी साढ़े ना रहना, साड़ी वीडियो पूरी वाच करनी है। एक तो मैं अपने भैन भी नाल एक गल शेयर करनी है, तो दूसरा मैं अपने भैन भी एक चीज़ दिखावगी जो मैं अच्छा व्लॉग बनावगी भी शेयर करा, एक चीज़ दिखावगी कि मेरा और बहुत प्यारा और बहुत अनमोल गिफ्ट आया वो मैं अपने भैन भी शेयर करनी है। दूसरा यह है कि साड़ा मैं दिता से कंबल ड्राई क्लीन होने वास्ते, तो जैन के पापा परची पता नहीं कितने गुम कर रही है, या पता नहीं वाशिंग मशीन से धुल गई है कपड़िया में, या किधर गई कोई समझ नहीं आई। हम असं उधर जा रहे हैं, पता नहीं सू कंबल भी मिलता या नहीं मिलता, तो देखते हैं जी ज़्यादा ट्राई करते हैं कि जो उन्हें दे देंगे कंबल तो उन्होंने की मेहरबानी है, नहीं देने तो फिर तभी उन्होंने मेहरबानी है। रमजान शरीफ का महीना वा, जरा दिल से तरस आया तो दे देंगे, नहीं आएगा तो फिर भी उन्होंने मेहरबानी है। लेकिन वैसे परची तो बगैर वो देंगे नहीं गए, कि उन्होंने परची तो बगैर बिल्कुल नहीं कंबल देना, को साढ़े कोई सबूत नहीं रहा। तो देखो जी अल्लाह खैर करे साढ़े तो यह दवा के सा कंबल वापस आ जाए, मेरा कंबल बहुत प्यारा वा। तो हम जी अपना एक जो गिफ्ट वा वह दिखाने। रमजान शरीफ का जी बेगम साहब बेगम साहबां दी सहेली इत्थे नाल ही रहिंदी साडे, उन्हें गिफ्ट भेजिया जी। उन्हें कहा जी जिवें जिवें मेरा गिफ्ट इस्तेमाल करना है मेरे लिए भी स्पेशली दुआ करनी। जुलकना ना आपरे सलाम नहीं बुलाई, सलाम तो बुलाओ, सलाम बुलाओ, सलाम बुलाओ। नहीं असीं कहा जी असीं अपने बेगम साहबां दा गिफ्ट ओदी फ्रेंड ने जिहड़ा उन्हें दित्ता ओदे दोस्त ने ओ क्यों असीं शेयर करिए। बेगम साहब जरा कैमरामैन पर हैं, बाहरों तो गिफ्ट खूबसूरत है, अंदर देखने हैं की चीज क्या चीज है। देखो जी यदा तो कोई मोल ही नहीं, भाई वाह ये इतना अनमोल तोहफा ना, मैं माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज है जी। ये बेगम साहब ने बेगम साहब ने दोस्त ने दी थी, है बहुत प्यारी है ना जी। तुसी जदों भी नमाज पढ़नी है इसे जान नमाज से पढ़नी है ताकि मेनु भी सवाब होएगा। 13 साल हो गया मेरी ओदी इन्नी की दोस्ती है बहुत ज्यादा, ते बहुत ज्यादा साड़ी भी मतलब मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाँ जी उन्हां दा अपना मदरसा भी है, ते मेरी बहुत ज्यादा उन्हें सलाम दुआ वा। ते फिर उन्हें मेरे वास्ते स्पैशल तोहफा भेजा, कहंदे कि तुसी रमजान रोजे रख रहे हो ते इहदे उपर तुसी नमाज पढ़नी है, ते मैं कहा ठीक हो गया जी। हाँ उन्होंने हाँ बेचारा कोई नहीं ना वो हैगी हले मदरसा उन्हों का मतलब भी मुकम्मल नहीं होया। चलो जिवें जिवें उन्होंने कोल आते हैं ना उस तरह ही वो मुकम्मल करवाते हैं। हूँ अगर रात आएगी ना स्टीविन की रात, उस दिन भी उन्होंने उन्होंने महफल आ, बहुत बड़ी महफल आ। मैंने एडवांसली उन्होंने कहता वा तुम भी सब ने निदा फातिमा तैयारी करके रखनी है, जैन पापा तुम भी जाना, उन्होंने एडवांसली मैंने कहता ठीक है ना। स्टीविन की रात उन्होंने कहा वा हाँ जी जिंदगी रही, जिंदगी ने वफा की तो जरूर जावे इन शाला तला। कंबल दा पता करके आने, देखो जी दुआ करो जो कंबल मिल जाए तो बहुत अच्छी गल है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਫਿਰ ਉੱਠੋ, ਚਲਿਏ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਕੰਬਲ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਕੰਬਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया उन्होंने वही कंबल देता। उन्होंने कल गए थे, उन्होंने कहा अपने शनाख्ती कार्ड की कापी अपना कंबल पहचान लेना, अपने मतलब एक लैके आना, अपने घर वाले लैके आना, अपने बच्चे लैके आना। फिर जैन के पापा मेरे नाल लैके गए, मैं अपना कंबल पहचान लिया, मैं क्या सारा कंबल आ असी गए हैं, तो उन्हें दिखाया, उन्हें कहा भी यह कंबल पे ने काफ़ी सारे कंबल पे हुए थे, तो जोड़े मतलब उन्होंने कहा जो पहचान लोगे तो उस जो नंबर नाल मैच हो गया तो थोड़ा वा। मेरी नज़र इस कंबल पर पई, सारी गल अपनी चीज़ तो अपनी होंगी ना,
जो उन्होंने मतलब जी पहचान उन्होंने कहा उन्हें कंबल पहचाने मैं कंबल पहचान उन्होंने फीस नाम लिखा से फीसुल्ला जो उन्होंने देखा नाम लिखा हुआ तो उन्होंने जरा भी कंबल निकाल के सू देता ये जी मेरा कंबल से कंबलों वर्गे कंबल ने लेकिन बहुत सारे कंबल इस तरह के पे से मेरी पहचान देखो मेरी मैंने मेरा कंबल से जो मैं पहचान लिया नंबर नाल मैच हो गया फीसुल्ला का नाम लिखा से तो उन्होंने कंबल देता मुझे मेहरबानी फिर अगर चले गए मार्केट उतो अं समान लैके आए अफतारी वास्ते तो आलू पकाने वास्ते लैके आए अज आलू शरीफ अभी पकाने कुछ नहीं मेरा बहनोई भी आया हुआ आजम उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब वा वह बाजू चाहता टुट गया वा इतों ए जगह तो वह भी आया वा तो उन्होंने भी डॉक्टर भी लैके जाना जैन के पापा उन्होंने भी चैक करा एक उन्होंने पता नहीं की मसला बनया वा या कोई चोट लग गई है या की होया वा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खून दिया उल्टियां भी ना आ रही तो उस वास्ते मेरे भैन जी ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है फिलहाल आया वा तो आन के आराम कर रहा सुता पिया वा या जिमें सब्ज मिर्चा टमाटर तो आलू ये वाले पकाने वास्ते लैके आई हाँ ये मैं पकानी है सुनिया और नाल सब्ज धनिया भी है सब्ज धनिया वह वक्रा मतलब इस तरह बन के रखा होता उन्होंने और खाने के बच्चे मैं लैके आई अच गर्मा और नाल सेब तुफ भी लिया मैं टप बाल्टी भी ला दी चीनी वास्ते बेटे अच्छा नाल जी लैके आई मैं खजूर तो नाल लैके आए चीनी चीनी नहीं हैगी सी कल मैं चीनी मैं दुकान तो मंगवानी पी तो फिर मैं है ना अच्छ फिर थोड़ा थोड़ा मतलब बाजार से भी राशन नहीं लैके आए थे तो बस कुछ थोड़ी जी मसरूफियत की वजह तो असं क्या भी चलो हम जाके तो लै आए फिर काफ़ी ज़्यादा रश से फिर असी मतलब इन्ना समान लिया कंबल लिया इन्ना समान लिया लैके तो फिर अं आ गए खोलो ढक्कन ना फिर आगे करो मैं नजदीक करो चलो जी टाइम भी हो रहा वा राशन लैके आए जी एक मैं कस्टर्ड का डब्बा लैके आई हाँ स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड बुरी बात बुरी बात एक मैं लैके आई सी जी कस्टर्ड का डब्बा स्ट्रॉबेरी वाला मैं क्या बच्चों कस्टर्ड बना के देवगी तो रोजे रख दे बच्चे सारी गल चौल फिर भुल गया बिरयानी मसाला बिरयानी मसाले का एक डब्बा और एक लैके आए थे अचार कोश का डब्बा नाल जी आयल लैके आए हैं तीन पैकेट आयल बर्तन धोने वाला साबन और सर्फ सर्फ एक्सल और चाय की पत्ती खत्म हुई सी चाय की पत्ती भी और एक आयोडीन नमक बारह दिन करना है तो आयोडीन जी नमक सॉरी उल्टा पैकेट दिखा रही अच्छा ये दो पैकेट नहाने वाले साबुन के पानी क्यों गर्मी है साबुन बहुत ज़्यादा लगता नहाने वाला तो इस करके फिर मैं क्या चलो इन चीज़ों वापसी इसी तरह छापर कवर कर लाँगी करके कवर तो फिर मैं अफतारी का समान तैयार कर दी हाँ अफतारी बनानी है पत्ती वाली वैसे बाल्टी लैके आओ पत्ती पा लीए बाल्टी डब्बे भी वापस ला दें कस्टर्ड भी बनाना किसी दिन बनावे इंशाल्लाह ताला जिंदगी भर खैर होगा और नहाने वाला साबन इसी तरह फिलहाल रख दी हाँ तो टाइम बहुत शार्ट आ तो इस करके मैं चलो ना अंदर भी इन्हें बरकत पा लिया चलो जी मैं अफतारी का समान तैयार कर लवा अफतारी का टाइम भी तो नज़दीक सी असं चलो ना अपने भैन भाई बाकी चीज़ा भी शेयर कर दईए तो अफतारी तो शेयर कर लिए सालन पे तो फिर सालन रहन दो ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸਹੀ
हाँ जी ये तो है। और गरमा भी कट के रख लिया और सेब भी कट के रख लिया। आज गरमा खजूर ते सेब ते खरबूजा वगैरह नहीं है, ना स्ट्रॉबेरी है ना खरबूजा, वा ये चीज़ नहीं है। आज तीन चीज़ा ने खजूर सेब गरमा, ज़्यादा चीज़ा भी खाइया भी नहीं जाती। समोसे पकौड़े जड़े आ मैं खुद नहीं खाँदी, इस करके भी नहीं बनाते। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी बनावांगे और रेसिपी भी वो भी शेयर करांगे इंशाल्लाह ताला, जिंदगी भर खैर होवे। तो हुण भी जी मैं बनानी हाँ मीठा पानी, तो माँ पानी बना रही है, बस पानी तैयार हो चला। पानी कल बहुत ज़्यादा बन गया सी, अज हिसाब का पानी बनाना, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। चलो बेटे पाओ बर्फा दे, लो जी सारा पानी भी बिल्कुल रेडी हो गया। बिस्मिल्लाह चलो बाजू इन्हों इतों हटी क्योंकि दो जगह तो लुट गई, तो उत्थे लइए फतेहपुर चेक कराया से इन्होंने, उन्होंने फिर लइए रैफर किया, लइए गया तो उत्थे इन्हों की नहीं कोई गलबात हुई ना डॉक्टर, फिर अच्छ मुल्तान आए थे, हम जावे असं इतों टाइम लिया हम चेक करा। हाँ जी बस सारे मिल के दुआ करना, अल्लाह मियां तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे, रमजान शरीफ का महीना वा जी, हड्डियाँ टुटिया वा ये बड़ी मुश्किल जुड़दियाँ, जुड़ भी जान तो फिर बंदे वढ़ेपे वे बहुत तंग कर दी। अल्लाह सोना ऐसे बुरे वक्त तो बचावे, गया तो बच्चों की रोजी करन सीगा, तो उत्थे इन्ना नहीं पता कि वो मुसीबत पै जाएगा, इन्नी बुरी तरह सट लगेगी, तो रात दिन इनिया खून दिया उल्टियाँ बेचारे बहुत ज़्यादा, तो कोई समझ नहीं आ रही कि वह कास तो आने लग गई, वह क्यों आने लग गई, आज नहीं पता लगे क्यों आई, डॉक्टर ने चेक भी नहीं कराया, वो भी चेक कराया ठीक है ना। हाँ डॉक्टर पूछो भी वो खून दिया उल्टियाँ जी आई वह कि वजह तो आई हैं, कोई मेरे मसला तो नहीं या कोई सट तो नहीं ज़्यादा लगी, क्यों इन्होंने उपर घोड़ी गिरी है ना, घोड़ी चक्की है तो थले रगड़ाई हो रही जी फर्श की, तो उस पैर फिसकिया वा तो उतो तिलक के डेग पे, सब मेरे भैन बहन मिलकर दुआ करनी है। लो जी रोजा असि खोल लिया, चाहवांगे इजाजत मिलांगे नेक्स्ट वीडियो, नमाज का भी टाइम हो रहा, रब सोने वाले रमजान शरीफ का महीना, अल्लाह मियां हर एक रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हाफिज़।